हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपरमूव। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्रेकडाउन करेंगे कैप्टन मार्वल के सेकंड ट्रेलर का। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेलर शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक ट्रेन को जिस पर लॉस एंजलिस लिखा हुआ होता है, इससे ये पता चलता है कि कैप्टन मार्वल लॉस एंजलिस की सिटी में है और किसी को ढूंढ रही है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैप्टन मार्वल जिसे ढूंढ रही है वो कोई और नहीं बल्कि एक बूढ़ी अम्मा के रूप में एक स्क्रल है। साथ ही साथ ट्रेलर के बैकग्राउंड में से हम समुद्री डाकू यानी कि निक फ्यूरी की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, सो स्क्रल्स आर द बैड गाय एंड यू आर द क्वीन। उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल अपनी पूरी टीम के साथ कहीं जा रही होती है। उसके बाद मार्वल स्टूडियोज का लोगो दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल कहीं गिरी हुई होती है और उसे काफ़ी चोट भी आई होती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ लोग उससे ये कह रहे होते हैं कि तुम मरने वाली थी, तब हमने तुम्हें पाया बिना मेमोरीज़ के, और वो लोग कैप्टन मार्वल का ट्रीटमेंट करते हैं। और वहीं पे हम ये देखते हैं कि कैप्टन मार्वल को भी ज़्यादा पावर्स दी जा रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं एनेट विंग को, जिन्हें हम थ्री प्लैनेट के जनरल के रूप में देखते हैं। उसके बाद हम एक शॉट में ये दिखाते हैं कि स्कल्स कैप्टन मार्वल के दिमाग से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी कैप्टन मार्वल की आँख खुल जाती है। नेक्स्ट शॉट में हम कैप्टन मार्वल के पास्ट की कुछ सीन्स को दिखाया जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी शील्ड के हेडक्वार्टर में गए हुए हैं। वहाँ पे वो लोग कुछ सबूत ढूंढने आए हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल की जेट से कहीं जा रहे होते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम ये देखते हैं कि कैप्टन मार्वल अपने फुल बने रूप में है और उसके पास एक नया सूट भी होता है, जिससे हम ये गेस कर सकते हैं कि उसका सूट उसको मूवी के लास्ट में सीन में मिलता है। और लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि कैप्टन मार्वल अपने फुल बने रूप में है, शायद यहाँ पर वो उसकी मेमोरीज वापस आ गई हैं और वो स्कल से फाइट करती हुई दिखती है। उसके बाद टाइटल रिवील होता है। स्टिंगर में हम ये देखते हैं कि निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल की कैट के साथ खेल रहा होता है। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, कैप्टन मार्वल की कैट के पास भी कुछ पावर्स हैं, लेकिन इस ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है। और अब बात कर लेते हैं कि क्यों कैप्टन मार्वल का ट्रेलर एवेंजर्स 4 के ट्रेलर से पहले आया है। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, कैप्टन मार्वल की मूवी एवेंजर्स 4 की मूवी से पहले आने वाली है, तो हो सकता है कि इसीलिए कैप्टन मार्वल का ट्रेलर पहले आया और एवेंजर्स 4 का ट्रेलर बाद में। तो फ्रेंड, कैप्टन मार्वल का ये ट्रेलर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और अगर आप लोगों ने कैप्टन मार्वल के फर्स्ट ट्रेलर का मिस्ट्रीज नहीं देखी है तो मैं आपको अपनी कैप्टन मार्वल के फर्स्ट ईयर वाली वीडियो रिकमेंड करूंगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ, बट बिफोर इट आई वुड लाइक टू से दैट फाइट विथ योर प्रॉब्लम्स एंड हैव अ सुपर मूव।